अगर आपके घर में आए दिन कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज आपको महसूस होती है, यानी कि जब देखो झगड़े होते हैं, सामान खराब हो जाते हैं, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब हो जाता है, या कभी कोई लाइक खर्चा निकल आता है, कभी दीवार का या सीलिंग का कुछ गिर जाना हो जाता है, कभी फैन खराब हो गया, कभी कोई इलेक्ट्रॉनिक खराब हो गया, घर में आए दिन प्रॉब्लम्स रहती है, कोई हेल्थ या तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहती है या तो घर में कोई ना कोई बहस या एक नेगेटिव ऑरा ज़्यादा रहता है, खुशहाली कम रहती है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई ना कोई और स्ट्रेस, तो इस नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? कई कई बार हम कहते हैं ना कि यार लगता है घर को नजर लग गई है, या तो तुम लोगों की फैमिली को नजर लग गई है, इसलिए इतने इश्यूज हो रहे हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? बहुत ही सिंपल रेमेडी, हमारे घर घर में ये कर पाना बहुत ईजी है। आपको करना सिर्फ इतना है, आपके घर के दरवाजे के बाहर चौकट जो होती है, घर के दरवाजे के बाहर कह रही हूँ, ठीक है, रूम के बाहर नहीं, घर के दरवाजे के बाहर आप जो है एक कपूर, ये कपूर आसानी से मिल जाती है आपको कहीं भी मार्केट में, ये कपूर आपको रख देनी है साइड में, राइट लेफ्ट जिधर भी चाहिए कॉर्नर में आप रख दें और इसे जला दें, ठीक है, इसे जला दें रोज शाम को 6 या 7 बजे आपको ये करना रहता है, इसे जला दें, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगे, कोई भी जो भी आपके देवता है जिनमें आप मानते हो उनसे माफ़ी मांगे और उनको थैंक यू बोले, ग्रेटफुल भी रहे और उसे जलने का इंतज़ार करें। दरवाज़ा ठीक 5 मिनट जब ये जलकर हो जाए तब दरवाज़ा बंद कर दें, आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जाएँ खत्म हो जाएंगी। इसी तरीके की रेमेडीज़ के लिए आप लाइक शेयर फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को।